अस्सलामुअलैकुम। हेलो एवरीवन, मैं आयशा फिरदौस एक बार फिर इंग्लिश फॉर ऑल सीरीज़ के साथ आप तमाम के सामने हाजिर हूँ। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस फॉर्म। कंटिन्यूस फॉर्म को हम प्रोग्रेसिव फॉर्म भी कहेंगे। ये जो है फोर्थ वाला है अपने प्रेजेंट टेंस के सीक्वेंस में। प्रेजेंट कंटिन्यूस फॉर्म हम कब इस्तेमाल करते हैं? ऐसे एक्शंस के लिए जो पास्ट में हो चुकी हैं और हाल हाल में हो चुकी हैं और उसका असर जो है प्रेजेंट में भी है। तो आप लोग बोलेंगे, आयशा मैम आप इससे पहले प्रेजेंट परफेक्ट में भी यही बात की थी, लेकिन ये है कि यहाँ पे हम कंटिन्यूस फॉर्म ING फॉर्म यूज़ कर रहे हैं और साथ ही साथ मेनली फॉर एग्जांपल प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस फॉर्म हम तब इस्तेमाल करते हैं कि हम अगर कोई ड्यूरेशन ऑफ टाइम, कोई टाइम से रिलेटेड कोई अरसे की बात कर रहे हैं कि फॉर एग्जांपल फॉर 2 आवर्स या सिंस मॉर्निंग, इस तरीके से। और एक दूसरी तरीके में कि ये है कि प्रेजेंट परफेक्ट में हम बेसिकली एक्शन के कंप्लीशन पे फोकस करते हैं, कंप्लीशन पे फोकस करते हैं, वेयर एज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में हम एक्शन इटसेल्फ, वो एक्शन को ही ज़्यादा फोकस करते हैं। तो ये मेन डिफरेंस हुआ। फॉर एग्जांपल आई हैव बीन वेटिंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से इंतज़ार कर रही हूँ और अब भी कर रही हूँ। आई हैव वेटेड फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे वेट कर चुकी। सो वो हो गया प्रेजेंट परफेक्ट। आई हैव बीन वेटिंग, यहाँ पे अभी बीन वेटिंग का जो है एक्शन पे जो है स्ट्रेस है। और एक चीज़ ध्यान रखने की है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का जो फॉर्मूला है, सब्जेक्ट के साथ हैज़ और हैव के साथ साथ बीन लगेगा, BEEN बीन, उसके साथ जो मेन वर्ब है उसको ING लगेगा। ING से मुराद है कंटिन्यूस फॉर्म और वो प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब है। तो ये फॉर्मूला है। आप एक बार फिर हैज़ और हैव का वीडियो एक बार देख लीजिए, कौन से कॉन्टेक्स्ट में ये इस्तेमाल होता है, ठीक है? तो ये चीज़ आपको जहन में रखना है। और हाउ मच और हाउ मेनी का अगर हमारे से सवाल हुआ तो वो फिर से हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं। मीन्स आई हैव ड्रंक 2 कप्स ऑफ टी इन द मॉर्निंग, मीन्स मैंने पिया। ऐसा नहीं बोलेंगे आई हैव बीन ड्रिंकिंग 2 कप्स, सो इट इज़ नॉट देयर। हियर वी आर फोकसिंग ऑन कंप्लीशन ऑफ एक्शन। तो ये चंद चीज़ें हैं। और साथ ही साथ आप पूरा वीडियो देखिए, प्रेजेंटेशन देखिए, उसमें मैंने थोड़े सवाल भी किए हैं, थोड़े उसको सॉल्व कीजिएगा और पूरा कंप्लीट मुकम्मल वीडियो देखिएगा और प्रैक्टिस करिए, क्योंकि अब जो है आपके पूरे 4 प्रेजेंट टेंस का जो एस्पेक्ट है वो कवर हो चुके। तो आप अपने वर्ब्स को सेलेक्ट करिए और साथ ही साथ पूरे 4 फॉर्म्स में लिखने की कोशिश करिए। फॉर एग्जाम्पल आई ईट, आई एम ईटिंग, आई हैव ईटन, आई हैव बीन ईटिंग। तो इस तरीके से आप ईट के बदले प्ले, ड्रिंक, टेक, ये सारे चीज़ों को आप सॉल्व करिए, प्रैक्टिस में लाइए। और एक चीज़ ये है कि हम देखे थे कि जैसे कि सेंटेंसेस में सिंपल सा मतलब सेंटेंस होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, नेगेटिव सेंटेंस होता है और इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है, उसी तरीके से हैव बीन के साथ भी आप इसी तरीके से हैज़ बीन के साथ भी सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। साथ ही साथ आप सवाल की शक्ल में उसको तब्दील कर सकते हैं। फिर साथ ही साथ आप जैसे नेगेटिव सेंटेंस लाइक आई हैव बीन वर्किंग, आई हैव नॉट बीन वर्किंग, या हैव नॉट में आप कॉन्ट्रैक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं, हैवन्ट बीन वर्किंग, और हैव आई बीन वर्किंग, हैव यू बीन वर्किंग, इस तरीके से आप इंट्रोगेटिव में भी यूज़ कर सकते हैं। उसका स्लाइड भी मैंने डाल दिया है, आप प्रैक्टिस करिए। अनलेस एंड अनटिल यू प्रैक्टिस वेल यू कैनॉट एक्चुअली ब्रेक दैट हेजिटेशन। आप खूब प्रैक्टिस करिए। अब जैसे 4 एस्पेक्ट्स हो गए हैं, आप मिनिमम 100 से बढ़ के सेंटेंसेस आप अपने रजिस्टर्स में बनाइए, प्रैक्टिस करिए। जज़ाकअल्लाह खैर, हैप्पी लर्निंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, हेलो व्यूअर्स, चलिए चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के तरफ। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस फॉर्म को प्रोग्रेसिव फॉर्म भी कहते हैं। तो व्हेन डू वी यूज़ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस? जो एक्शन पास्ट में शुरू होता है और उसका असर अभी भी प्रेजेंट पे होता है, तो इन कॉन्टेक्स्ट में हम प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस यूज़ करते हैं। इसके 2 सूरतें हैं, या तो एक्शन ख़त्म हो चुका होता है लेकिन उसका असर अभी भी है, या फिर एक्शन जो है जारी है। ये 2 सूरतें हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कहूँगी कि वो सुबह से भाग रहा है
इसीलिए अभी थका हुआ है, ठीक है। सो ही इज टायर्ड, ही हैज बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग। तो यहाँ पे है कि एक्शन खत्म हो गया और उसका असर ये हुआ कि वो बहुत थका हुआ है, ठीक है। अब कुछ चीजें हैं, जैसे यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स है, शी हैज बीन डूइंग द वर्क सिंस 2 आवर्स, 2 घंटों से वो मुसलसिल काम कर रही है और अभी भी कर रही है, तो एक्शन जारी है। आई हैव बीन लिविंग हियर सिंस 2011, 2011 से मैं यहाँ पर रह रही हूँ, मतलब या अभी भी रह रही हूँ। ही हैज़ बीन लुकिंग फॉर अ जॉब, वो हाल हाल में जॉब के लिए सर्च कर रहा है, अभी भी कर रहा है, ठीक है। चलिए आगे, यहाँ का फॉर्मूला ये है, सब्जेक्ट के साथ हैज़ या हैव लगेगा और उसके साथ बीन लगेगा, ये लाजमी है। उसके बाद वर्ब के साथ ING फॉर्म, जो प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म है, वो लगेगा। Do we use present perfect continuous? Examples है, my daughter has been living in Saudi since 2016. We have been playing football. I have been waiting for you for 5 hours. He has been preparing for his exam. We have been visiting them since 2 months. I have been reading this book for 3 weeks. Salma has been preparing a delicious lunch since morning. तो ये थोड़े examples है, आप गौर कीजिएगा। और आप पिछले वीडियो में देखिए, इस लिंक पे देखिए कि हैज़ और हैव का इस्तेमाल मैंने इंग्लिश फॉर ऑल सीरीज़ में शेयर किया है, आप उसको एक बार रिवाइज करें। तो सबसे पहले, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कैन बी यूज टू एम्फसाइज द लेंथ ऑफ द टाइम, ड्यूरेशन, कब से कब तक। आई हैव बीन वेटिंग फॉर आवर्स से मुराद ये है कि कितने अरसे से आप यहाँ वेट कर रहे हैं, चाहे 2 घंटे 4 घंटे। और अगर प्रेजेंट परफेक्ट की बात करो, आप ये बोलेंगे कि दे हैव वेटेड फॉर आवर्स, यहाँ पे आपने अरसे की बात नहीं की कि उन्होंने इंतज़ार किया था। अब On the other hand, the present perfect simple is often used when we are talking about how much or how many. पिछले वीडियो में मैंने बताया कि present perfect को कब इस्तेमाल करते हैं, आपने उसमें देखा कि how much और how many का इस्तेमाल, अगर इस तरीके का हम क्वेश्चन पूछेंगे तो उसके जवाब में जो आएगा वो present perfect. For example, she is drunk 3 cups of tea this morning. ठीक है, सुबह से वो पी चुकी हैं, कितने कप, 3 कप पी चुकी, हमने बोलेंगे कि वो एक्शन जारी है। एंड शी इज बीन ड्रिंकिंग 3 कप्स ऑफ टी, नहीं बोलेंगे, दैट्स रॉन्ग। सो इट्स लाइक शी इज ड्रंक 3 कप। और प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो है वो एक्शन पे फोकस करता है, इट फोकसेस ऑन द एक्शन इटसेल्फ, ठीक है। फॉर एग्जांपल, आई हैव बीन रीडिंग द बुक यू रिकमेंडेड, मैं आप जो बुक रिकमेंड करें मैं वो पढ़ रही हूँ, ओके। अगर मैं कहूँ कि आई हैव रीड द बुक यू रिकमेंडेड, यहाँ पे ये मुराद है कि एक्शन खत्म हो गया, मैंने पढ़ लिया, आई हैव फिनिश्ड इट। और ये चीज ध्यान में रखना है कि प्रेजेंट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट में आप येट या ऑलरेडी का इस्तेमाल करेंगे, ओके। ये आपको लाइक शी इज फिनिश्ड हर वर्क ऑलरेडी, ये है आपका प्रेजेंट परफेक्ट का रिविजन। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस या प्रोग्रेसिव फॉर्म कम्स व्हेन द रिजल्ट कम्स फ्रॉम द एक्शन इटसेल्फ। फॉर एग्जांपल, आई हैव बीन ईटिंग डिनर, सो देर आर प्लेट्स ऑल ओवर द टेबल। शी इज बीन डूइंग हर होमवर्क, सो शी इज टायर्ड। आई हैव बीन मेकिंग अ केक, दैट्स व्हाई द किचन इज सच अ मेस। तो इस तरीके से अगर हम होल एक्शन खत्म होता है या नहीं उस पर जो है फोकस नहीं होता, लेकिन रिजल्ट पे फोकस होता। फाइनली, अगर कोई भी एक्शन जो है हम बताना चाह रहे जो कि टेम्पररी है, ओके, शी इज़ बीन रनिंग अ लॉट रिसेंटली, हाल हाल में वो बहुत भाग रही थी, लेकिन अभी वो टेम्पररी है, अभी अक्सर नहीं करती है मगर पहले कुछ दिनों पहले वो कर रही थी। यूजुअली आई स्टडी एट होम बट आई हैव बीन स्टडिंग इन द लाइब्रेरी फॉर द लास्ट वीक, मतलब मैं तो अक्सर घर पे पढ़ा करता था लेकिन पिछले हफ्ते ही मैं लाइब्रेरी जाना शुरू करा। तो इज दिस इज़ वन वे ऑफ सेइंग। आपने ये भी गौर किया होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर्म में आप सिंस का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये दोनों में भी एक डिफरेंस है जो मैंने बताया ऑलरेडी। फॉर जो है कोई टाइम के ड्यूरेशन को, इतने अरसे तक मैं था, इतने अरसे तक मैं वहाँ था या कर रहा हूँ, इस तरीके में आप फॉर यूज़ करेंगे, फॉर 2 ईयर्स, फॉर 2 मंथ्स या जो भी। अब सिंस अगर आप वो पॉइंट आप पर्टिकुलर टाइम बता रहे हैं या कोई डेट बता रहे हैं तो आप सिंस,
ओके आई हैव बीन वेटिंग हियर सिंस मॉर्निंग, मतलब मैं सुबह से वेट कर रही हूँ। अगर मैं कहूँगी आई हैव बीन वेटिंग हियर फॉर 3 आवर्स, तो मैं यहाँ पे एक अरसा बता रही हूँ, ठीक है। अब ये सिंपल सा देखिए कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में आप एफर्मेटिव सेंटेंसेस करेंगे, यस मतलब आंसर जिसका यस में आता है वो करेंगे, और नेगेटिव सेंटेंसेस में देखेंगे और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में देखेंगे। जैसे मसलन आई हैव बीन वर्किंग, आई हैवेंट बीन वर्किंग, ये हो गया नेगेटिव। हैव आई बीन वर्किंग, ये हो गया क्वेश्चन। सिमिलरली यू हैव बीन वर्किंग, तुम काम कर रहे हो मुसलसिल। यू हैवेंट बीन वर्किंग, हैव यू बीन वर्किंग, ये क्वेश्चन हो गया। तो ही शी इट्स बीन वर्किंग, ही शी इट हैजंट बीन वर्किंग, हैज ही शी इट बीन वर्किंग, इस तरीके से। सिमिलरली वी हैव बीन वर्किंग, वी हैवंट बीन वर्किंग, हैव वी बीन वर्किंग, यू हैव बीन वर्किंग, यू हैवंट बीन वर्किंग, हैव यू बीन वर्किंग, दे हैव बीन वर्किंग, दे हैवंट बीन वर्किंग, हैव दे बीन वर्किंग। ये सिंपल सा रिकॉल है। यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट है, फिर ऑक्सिलरी वर्ब है, फिर अगर आपको नेगेटिव यूज करना है तो उसके बाद नेगेटिव यूज करेंगे, फिर एक ऑक्सिलरी वर्ब है, फिर मेन वर्ब को आईएनजी फॉर्म है जो प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म है, और इसका जो है कंप्लीशन ऑफ सेंटेंस। ओके मतलब कोई टाइम का अर्सा या कोई क्वांटिटी उस तरीके से, या फिर जो भी ऑब्जेक्ट है वो लग जाएगा। तो अभी चलिए क्विक रिकैप करते हैं। आपने इस सीरीज में ये देखा कि सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उम्मीद है आपको इसमें कोई डाउट नहीं है। सिंपल जो है रोजमर्रे के जो एक्टिविटीज है, जो काम है, उसको बयान करने के लिए हम यूज करते हैं, जो कि वर्ब बेस फॉर्म में होता है, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस वो जहाँ पे बी फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स लगते हैं, साथ में वर्ब को आईएनजी फॉर्म होता है। प्रेजेंट परफेक्ट में हैव और हैज का इस्तेमाल होता है, साथ में वी थ्री फॉर्म दैट इज पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब होता है, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में सब्जेक्ट के साथ हैज और हैव, फिर बीन, फिर वर्ब के साथ आई एन जी जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। यहाँ पे मैंने आई के साथ कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, आपने अपने रजिस्टर्स में जो है पूरे 4 किस्म के जो आपके आपने सीखा है प्रेजेंट के जो फॉर्म्स है उसके साथ आप लोग लगातार सेंटेंसेस बनिए, बहुत सारे वर्ब्स को साथ में लेके आप इस फॉर्मूला को लगा के आप जो है सेंटेंसेस को फ्रेम करते जाइएगा। मैंने यहाँ पे देखा आई ई लिखा, आई ईट, आई एम ईटिंग, आई हैव ईटन, आई हैव बीन ईटिंग, आई प्ले, आई एम प्लेइंग, आई हैव प्लेड, आई हैव बीन प्लेइंग। तो इस तरीके से आप लोग जो है प्रैक्टिस करिए। जजाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़।